दोस्तों मैं चिन्मय फिर से आ गया हूँ 18 नंबर शेड में और संतरे का रिपोर्ट लेने। और आप लोग का काफी डिमांड था जो संतरे का डेली रिपोर्ट, तो भाई डेली आएगा 4 बजे के बाद, शाम को आएगा, क्योंकि जो यहाँ का जो रेट खुलता है वो 9 बजे के बाद ओपन होता है। और हमें जो इंटरव्यू देते हैं तो बाबूजी लोग खुद ही बोलते हुए 9 बजे के बाद आओ तो आराम से देंगे। और 9 बजे मैं चला जाता हूँ रूम पे, तो सारा डिटेल समझ जाओ। जो 9 बजे के बाद अगर रूम पे चला जाऊंगा तो रिपोर्ट का कितने बजे लूंगा, इसलिए मैं आता हूँ सेकंड टाइम 12 बजे के बाद। और अभी बज रहे 1 बजने का है, तो चलिए 1 बजे के बाद का क्या रिपोर्ट है वो जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे बढ़िया माल देखो, ये है डीके ब्रांड है इनका, ये डीके ब्रांड वालों का देखो, हाँ ये 96 दाना दिखाया था। और उसके बाद ये देखो कल्याणी का ब्रांड है, और ये देखो ये है 84 दाना लाजवाब माल है, ये कल्याणी का है इधर। और इधर बाबूजी के पास 3-4 ब्रांड है और अलग अलग टाइम पे अलग अलग ब्रांड यूज करते रहते हैं, मगर इनका जो फेमस ब्रांड है कल्याणी अभी चल रहा है जबरदस्त। तो नमस्ते बाबूजी। नमस्कार। पहले तो सब किसान और व्यापारी भाइयों को राम राम। ओके। आज शुक्रवार 4 तारीख गाड़ियों का लोड 25-26 गाड़ी का लोड है। ओके। लोड कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन कल हरियाणा में इलेक्शन है। ओके। और कल भी डबल मंडी थी, कल भी डबल मंडी रहेगी, इसलिए आज ग्राहकी जो है स्लो है। कल से बाजार समझिए 50 से 100 रुपए जो है वो डाउन है। जी सर। तो सर आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप लोग आपका जो कल का वीडियो देखिए, काफी लोगों ने बोला जो बाबूजी का इंटरव्यू डेली लेना, बहुत बढ़िया बात बताया कल, तो ये आपको बताने के लिए बोले थे। जी। तो बोलिए बाबूजी क्या फीचर है लग रहा है जो आने वाले टाइम पे, जो ज्यादा तो नहीं गिरेगा नीचे? नहीं, ज्यादा नहीं गिरेगा, लोड बढ़ेगा। रेट एक्चुअल में क्या है कि इससे पहले 10-15 गाड़ी आ रही थी, तो 10-15 गाड़ी का रेट 10-15 गाड़ी का था। और पहले नवरात्रे पर जो बाकी बची हुई व्यापारी है उन्होंने भी उद्घाटन किया है। उम्मीद है सोमवार से लोड बढ़ने की संभावना है। तो जब लोड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक रेट में तो करेक्शन होगा ना भाई साहब? बिल्कुल। आगे आने वाले टाइम के अंदर सोमवार से जितने भी ट्रक होंगे नया रेट नई किताब चलेगी भाई साहब। अब जो रेट था वो हो गया, उम्मीद है सोमवार से जो रेट जो है वो डाउन होगा। जी ओके। मतलब जो ये नवरात्रि का बूम भी निकल चुका है, निकल गया। हाँ, अब जो है सोमवार से नया हिसाब किताब चलेगा। ओके। अब रेट क्या स्टेबल होगा ये सोमवार की मंडी के बाद पता चलेगा। जी कल डबल मंडी है, कल कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे रहता ही है, ऊपर नीचे रह सकता है। और जो सोमवार से रेगुलर जो लोड है वो चल पड़ेगा। उम्मीद है कि 25 और 30-35 गाड़ी के बीच का लोड जो है सोमवार से हो जाएगा, क्योंकि अब जो महाराष्ट्र की तिगनी भी मंडियां हैं वो सारी चालू हो रही हैं। ओके। जी सर, सारे चालू हो गया है। हाँ जी। तो बाबू जी आज का जो गाड़ी का यहाँ पे आपने बताया गाड़ी का डिटेल दे दिया, तो रेट का भी हल्का बता दीजिए जिससे लोगों को पता चले। रेट आज की तारीख में 141 की जनरल पोजीशन 1100-1200 रुपए है सर। ओके। जो ब्रांडेड है वो 200 रुपए ऊपर है सर। ओके। 200 रुपए ऊपर। जी सर। और 171 दाने की पोजीशन 900-1000 रुपए, 191 दाने की पोजीशन 750-800-800 रुपए। जो बढ़िया माल है और हल्के माल है वो चाहे किसी भी फील्ड में रहे, चाहे वो संतरा है चाहे सेब है, 200-300 रुपए की वेरिएशन तो भाई साहब रहती रहती है। आते हैं। बिल्कुल। एक माल हल्का है, एक मीडियम है, एक ज्यादा एक्सक्लूसिव है। बिल्कुल। तो रेट जो है वो रेगुलर बताया जाएगा, ना ज्यादा हल्के का बताया जा सकता है ना ज्यादा बढ़िया का। बिल्कुल। मतलब सारा मिला के ही सबका रेट ही अलग अलग होता है, आपका अलग अलग रेट होता है। मीडियम रेट बता दिया, जो हल्का होगा वो उससे 200 रुपए नीचे होगा, जो बढ़िया होगा उससे 200 रुपए ऊपर होगा। बिल्कुल। और 191 का बाबू जी? 191 जाने का जनरल रेट जो है वो 750-750 से 750 रुपए है। Okay. बढ़िया होगा वो 100-200 रुपए ऊपर होगा। ओके। और जो ये जो आपका आ रहा है 205 दाना 15 दाना वही वाली बात है, वजन के अकॉर्डिंग है। 550 से 650 रुपए जनरल। Okay. जो बढ़िया है वो 750-800। ओके। तो बाबू जी एक चीज बताइए, यहाँ पे खर्चा कितना लगता है आप वहाँ से मंगवाते जो? वहाँ से मंगवाने के अंदर एक कैरेट के अंदर 350 रुपए के आसपास का खर्चा सर। Okay. जिसमें तुड़ाई भराई और लेबर ट्रक किराया ये सारा का सारा मिलाकर 350 रुपए खर्चा पड़ता है किसान को, माल अलग से। ओके। मतलब खर्चा बहुत तगड़ा वाला है। अच्छा सर, हर चीज पे खर्चा महंगाई है सर। अब आज 110 रुपए ट्रक कह रहा है। ओके। 110 रुपए की क्रेट है सर, 220 रुपए तो यही हो गया। बिल्कुल। उसके बावजूद उसको तोड़ना है, भरना है, लाना है, लादना है। बिल्कुल। हर चीज पे खर्चा लगता है ना। ये इसमें संतरे में खर्चा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा खर्चा, क्योंकि इसमें 350 का हिसाब किताब अगर हम 25 किलो की एवरेज लगाएं तो आप लगाइए 250 और
समझिए 14 रुपए किलो का खर्चा है। तो बताइए 14 रुपए के जी, तो यहाँ पे अगर 14-10 रुपए अगर माल का वैल्यू है तो भी 14 रुपया, जब वो जो माल 500 रुपए का बिक रहा है उसमें भी 14 रुपए किलो का खर्चा है, जो माल 1400 का बिक रहा है उसमें भी 14 रुपए किलो है। इसीलिए मैं उनको बोलता हूँ किसानों को भी जब भी बढ़िए दिल्ली के मतलब का बढ़िया ही माल भेजे, हल्के माल को भर के कोई फायदा नहीं क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा ना, ये डिटेल्स की कोई बताता नहीं है, ऐसे तो सभी बातचीत करते हैं तो इन चीजों पे बात नहीं करते जो खर्चा कैसे आते हैं। तो बाबू जी ये बताओ, जो आपने तो सारा डिटेल्स बता दिया, एक 80 दाना भी दिखाई दे रहा था यहाँ पे कल्याणी ब्रांड का, ये क्या रेट है इसका? आज का 80 दाने का रेट 1250-1350, और उसमें बढ़िया का बढ़िया जो हल्का है उसका 1100, और 96 दाने का भी बता, 96 दाने की जनरल पोजीशन 900-1000 रुपए, बढ़िया जो है वो 100-200 रुपए ऊपर होगा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके ओके ओके। तो बाबू जी ये बताइए, आप लोग तो मसाखोरों को भी देते हो माल? जी जी। तो मसाखोर उधारी भी ले जाते हैं? सर उधारी पे भी लेते हैं, नगद भी लेते हैं। देखो ये सब्जी का कारोबार है, ना चाहते हुए भी उन लोगों को उधार देना पड़ता है जिन लोगों को नहीं देना चाहिए। ओके ओके। लेकिन ये पेरिशेबल आइटम है, इसको रखा नहीं जा सकता, जैसे आज माल आया कल फिर आएगा, परसों फिर आएगा, ये एक ऐसी चीज है इसको ना रोका नहीं जा सकता, ये एक चैन सिस्टम हो गया, चैन सिस्टम है, इसको फॉरवर्ड करना ही करना है चाहे जो मर्जी हो। ओके, तो इसी वजह से आपको देना पड़ता है, मजबूरी बन जाती है, मजबूरी है। ओके ओके। और कुछ तो लोग भाग भी जाते सुनने में आया हुआ है बाबूजी? सर हर साल एक नहीं कई लोग भाग जाते हैं, अब ये सब्जी का कारोबार है सर, ये आज से थोड़ी, ये तो सैकड़ों सालों से चलता है। ना 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 सर, यही तो मेन चीज तो यही है ना, लोग आड़तियों को चोर बोल देते हैं। आड़ती देखो जी, मारने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है, बोलने वाले की जबान नहीं रोकी जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल। कभी आड़ती को भी करके देखिए, सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक की सर ड्यूटी है। बिल्कुल। उसके अंदर उल्टे सीधे आदमियों को माल भी देते हैं सर, मेहनत भी करते हैं, व्यापारियों को भी फाइनेंस करते हैं, उसके बावजूद अगर कोई आड़ती को बोलता है तो उसका विचार है, उसको तो हम बदल नहीं सकते सर। ना ना मैं मानता हूँ कुछ आड़ती गलत हो सकता है, एक दो निकल जाता है जिनका पास उतना इंडियन के साथ नहीं है, जो अलग है, जी जी, अपना काम गलत करते होंगे, मगर सारे तो नहीं है, मगर लोगों को मैंने देखा हूँ, मेरे कमेंट भी आ जाते हैं। हर फील्ड के अंदर सर 2-4 लोग 19-21 होते हैं वो गिनती में करते नहीं है, वो होते ही है क्योंकि हर एक में होते हैं सर, खरीदारों में भी अच्छे बुरे होते हैं, व्यापारियों में भी अच्छे बुरे होते हैं, आड़तियों में भी अच्छे बुरे होते हैं, ऐसी कोई बात थोड़ी, ये कोई नई बात थोड़ी है सर। तो चलते चलते क्या कहना चाहेंगे लास्ट में व्यापारी भाई और किसान भाइयों को? किसान भाइयों को यही कहना चाहेंगे कि जब तक कोई भी फल तैयार ना हो उसे बराए मेहरबानी ना भेजा जाए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से फल को तैयार होने जाए, क्यों आगे चलकर इंसान ने उसको खाना है, उसको आनंद आएगा तभी वो उसको दोबारा खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबू जी कॉन्टेक्ट नंबर? जी दिए गए नंबर पे कोई भी किसान भाई है, रिटेलर भाई है, होलसेलर भाई है, जुड़ सकते हैं, और 3-3 नंबर है इनके और लाइसेंस नंबर के साथ, और माल लगवाना है तो पहले कॉल करिए और पूछ लीजिए, सही बात है बाबूजी? जी सर। थैंक यू बाबूजी। ठीक है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अमरूद, और 18 नंबर शेड है, और आज तारीख है 4 अक्टूबर 2024 शुक्रवार का दिन है, और इधर भी दिखाई दे रहा है, और बाबूजी इधर बैठे हुए और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये। नमस्कार बाबूजी, नमस्कार। बाजार नहीं है तो क्या हुआ, रेट बताने में दिख रहा है? अरे अच्छी बात है, कभी कभी तो ग्राहकों को भी तो मिलना चाहिए। कल जो 60-65 रुपए बेचा, 40-45 रुपए 50 40-45 रुपए 50, ऐसा ही हमारा भी हाल है, 2 दिन पहले से बढ़िया व्यूज आ रहे थे, अभी बढ़िया व्यूज आ नहीं रहे, क्यों? सारे लोग लगे हुए भगवान के पूजा में, तो इसलिए मोबाइल यूज कम हो रहे, तो समझ गए सारा चीज। हाँ ऐसे ही हमारा बाजार भी खराब, आपका बाजार भी खराब। तो ये बताइए आज का जो ये है माल है इसका क्या रेट है? 60 रुपए बढ़िया माल 60 रुपए, और नीचे? नीचे वही 20 से लेके 40 तक। ओके ओके, 20 से लेके 40 तक नीचे। तो ये माल कौन सा इलाके का है? सब इलाका एक ही है, रुद्रपुर, और ये गोल्डन है ना? ओके ओके। तो बाबू जी इनमें कीड़े वेरे तो नहीं हो रहे? इसमें कीड़ा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो भाई आपको रेट का अंदाजा लग गया है, तो आइए नंबर लेते हुए आगे बढ़ते हैं। बाबू जी नंबर भी दे दो। रोज नंबर दिया जाता है क्या? 97-17 बोलिए, 97-74। तो दिए गए नंबर पे कोई भी किसान भाई है, रिटेलर भाई है, होलसेलर भाई है, जुड़ सकते हैं। थैंक यू बाबू जी। तो मैं आ गया हूँ 17 नंबर शेड में, और यहाँ पे किन्नू की गाड़ी दिखाई दे रहा है, मजदूर भाई बैठे हुए हैं क्योंकि टाइम हो गया एक, और खाने का लंच का टाइम हो गया, और यहाँ पे माल दिखाई दे रहा है, ये देख पा रहे होंगे
और भैया जी इधर खड़े हो गए मुझे देखते ही। तो भैया जी कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे? तो भैया जी ये बताओ, आज तो 4 तारीख है, नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो बाजार कैसा रहा किडनों का? खास बाजार नहीं रहा, बाजार थोड़ा सा और डाउन ही चला गया। तो क्यों बाजार डाउन हो गया? कस्टमर की वजह से, कस्टमर पहुंचे ही नहीं मंडी के अंदर। तो आज मतलब शुक्रवार का दिन कस्टमर कम है जी। ओके, और एक चीज बताना चाहूंगा, कस्टमर क्यों कम है आप लोगों के नॉलेज के लिए, जैसे अभी कल हरियाणा में इलेक्शन है शायद, तो शायद कुछ लोग चले भी गए होंगे दुकान पर। तो देखो आता ही है, हाँ। किसी भी यूपी या कोई से भी स्टेट में इलेक्शन का दौर चलता है, हाँ, तो अब ये जाते ही जाते बाजार में पड़ता ही ये फर्क, मतलब हल्का तो उतार चढ़ाव रहता है। तो ये बताइए आज का कितने गाड़ी का था? अब 40 गाड़ी। ओके ओके, और इसीलिए हल्का सा रेट भी पड़ा है। ओके, तो क्या रेट बिका? आज ज्यादातर बाजार चला है वो चला है 20 से 22 रूपए। 20 से 22 रूपए ज्यादा। ओके ओके, और गोली जो बिकी है वो बिकी है 13 से 14 रूपए। 13 से 14 रूपए, तो मतलब रेट मतलब ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ है, 1-2 रूपए का अंतर आया। ओके ओके, तो किसान भाइयों को कुछ जानकारी चाहिए, ये माल्टा और किन्नौर और मौसम्बी, ये तीनों एक जैसे प्रोडक्ट है, एक जैसा आइटम है, तो कौन सा सबसे पहले खत्म हो जाएगा, मार्केट से गायब हो जाएगा? मार्केट में सबसे पहले गायब होगा मौसम्बी। ओके, और उसके बाद में फिर माल्टा, उसके बाद किन्नौर चलता रहेगा। किन्नौर चलता रहेगा। ओके ओके ओके, तो किन्नौर एंड तक रहता है ना? ओके ओके, तो अभी कौन सा किन्नौर आने वाला है इसके बाद में? कलर वाला किन्नौर आ जाएगा, कलर वाला पंजाब। और माल्टा तो शुरू हो गया है? हाँ, माल्टा शुरू हो गया। ओके गाइस, आज मैं एक माल्टा खाया था, बहुत ही मजा आया गया, मतलब सेम मौसम के जैसे लग रहा था। हाँ, देख रहे हैं, बिल्कुल पूरा बिल्कुल मौसम है, मीठा भी वैसे ही है, किसी में हल्का ऊपर होगा किसी में नीचे होगा, मगर मीठा ठीक था। 19-20 का फर्क। हाँ, 19 से 20। तो भैया जी चलते जाते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर 9205352553, नाम मोहम्मद शादा। ओके, राजापुर कंपनी। तो दिए गए नंबर पे कोई भी किसान भाई है, रिटेलर भाई है, होलसेलर भाई है, जुड़ सकते हैं। थैंक यू भैया जी।